ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के एक शिष्टमंडल ने सोमवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर टीसी गगरानी से मुलाकात की। वर्तमान अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा के नेतृत्व में की गई मुलाकात के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों व अस्पताल की विभिन्न प्रकार की समस्या तथा अनियमितताओं पर चर्चा करते हुए शीघ्र ही इन्हें दुरुस्त करवाने की मांग की। मुलाकात के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने चिकित्सालय के चिकित्सकों को ड्रेस कोड की पालना करने, निर्धारित समय में आउटडोर में अपनी सेवाएं देने, एक ही समय पर वार्डो का राउंड नहीं करने तथा ऑपरेशन के दौरान किसी एक चिकित्सक के सेवाएं आउटडोर में फिक्स करने पर चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष मेवाड़ा ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि आउटडोर में रोगियों की भीड़ लग जाती है, लेकिन चिकित्सक वार्डो में राउंड करते रहते हैं, जिसके कारण रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में गंभीर रोगियों की हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाती है, अतः आउटडोर में चिकित्सकों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जावे। इसी प्रकार अस्पताल के बाहर मुख्य गेट के बाहर तथा आसपास में खड़े रहने वाले एम्बुलेंस चालकों को निर्धारित स्थान पर खड़े रहने के लिए निर्देशित करने तथा इसकी पुख्ता व्यवस्था करवाने की मांग की गई। इस दौरान शहर के जय क्लिनिक से लेकर AKS तक के क्षतिग्रस्त सड़क की भी शीघ्र ही मरम्मत करवाने की मांग की गई, ताकि रोगियों को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। मुलाकात के दौरान पीएमओ डॉक्टर गगरानी ने शीघ्र ही समस्याओं का समाधान करवाने का विश्वास दिलाया। पीएमओ से मुलाकात करने वाले दल में पार्षद विक्रम सोनी, BR सेन, रामनिवास सेन, अशोक मुंद्रा, रामस्वरूप डागर सहित अन्य शामिल थे। अमृतकोट चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से मिलकर अस्पताल के अंदर जो अनियमितता पाई जा रही है, जैसे कि अधिकांश स्टाफ और डॉक्टर ड्रेस कोड में नहीं रहते हैं और जो स्टाफ है वो अपनी नियत जहां उनकी ड्यूटी होती है वहां नहीं रहते हैं, उनके लिए वो बोला कि जितने भी स्टाफ है आपको पाबंद करें कि वो सारे अपनी जहाँ ड्यूटी है वहाँ उपस्थित रहें और ड्रेस कोड में रहें। दूसरा, CC वार्ड के सामने जो सफाई नहीं है उनको कहा कि आप जिसको भी सफाई का टेंडर दिया है उसको ठेकेदार को पाबंद करें। तीसरा, एम्बुलेंस की जो मेन रोड के ऊपर जो खड़ी रहती है उनको कहा कि उन एम्बुलेंसों को जहां उनको स्थान नियुक्त कर रखा है वहां खड़ी रहे और जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो पेशेंट को ले जा सकती है, लेकिन सड़क के बीचों बीच खड़ी रहने की वजह से मार्ग अवरुद्ध होता है और आने जाने में लोगों को समस्या रहती है।